कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक पोइट्री मैंने लिखी थी। एंड वो पोइट्री थी कि आई वॉज सो सैड, बहुत ज़्यादा सैड एंड बहुत ज़्यादा अपसेट। तो उसमें कुछ वर्ड्स मेरे जहन में आए तो मैंने उन्हें लिख दिया ताकि वो शब्द, वो टाइम और वो दिन हमेशा याद रहे, मैं जब तक हूँ कहीं भूल ना जाऊँ। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल में। एंड पहली वीडियो थी साल की, बहुत सैड वीडियो थी, बहुत लोगों ने लाइक की क्योंकि उसमें दर्द इतना ज़्यादा है कि शब्द बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो किसी ने कमेंट किया कि अभी तो आप टूटी हैं, बिखरना अभी बाकी है। तो ये उसी के जवाब में है, टूटी हूँ, डरती हूँ टूटने से, बिखरने से नहीं, क्योंकि बिखरने नहीं दूंगी मैं खुद को, क्योंकि बिखरने से फिर जुड़ नहीं सकते, टूटने से फिर भी जुड़ जाते हैं दिल, रिश्ते। पर मैं अपने आप को कभी टूटने नहीं दूंगी, खासकर वो लोगों के लिए जो डिजर्व ही नहीं करते जिंदगी में कुछ भी, कोई भी पोजीशन। हम इतनी ज्यादा इज्जत दे देते हैं लोगों को कि उन्हें पचती नहीं वो। और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं ज़िंदगी में, हम कुछ मतलब रखते ही नहीं उनकी ज़िंदगी में और हम उन्हें अपना समझते हैं। और वो वही दर्द का एक कारण बनता है कि हम इतनी इज्जत करते हैं और हमें बदले में इतनी जिल्लत मिलती है। तो बहुत इमोशनल हूँ, एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। शायद मैं अपने इमोशंस को अपने से अलग नहीं कर सकूँगी तो बार बार टूटूंगी, तो पर बिखरूंगी नहीं, क्योंकि अब मैं लोगों से मिलूंगी ही नहीं, लोगों को चांस ही नहीं दूंगी अपने आप को तोड़ने का, अपनी जज्बातों की, अपनी फीलिंग्स का फायदा उठाने नहीं दूंगी, क्योंकि ये दुनिया वो नहीं है जो मैं जीती हूँ, जो मैं समझती हूँ, जिसमें दर्द होता है उसमें एक एहसास होता है। जो दर्द देते हैं उनमें कोई एहसास नहीं होता, वो मर चुके होते हैं। तो मरे हुए लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना। बहुत कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, बस ठेस वहीं लगती है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ पे हम सोचने लगते हैं, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बस वहीं पे दर्द की शुरुआत हो जाती है। तो मेरा दर्द का होना जाहिर है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी, तो वही हुआ। खैर, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो सराहा, प्यार दिया, एंड मैं यही एक कुछ किसी न किसी तरीके से तो यूट्यूब में वापसी होनी थी। चलो कुछ ना कुछ करके तो मैंने कुछ किया, एंड कुछ ना कुछ करके तो मैं दोबारा से फिर कुछ कर रही हूँ, आपको जवाब दे रही हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग जीत को टीवी यूट्यूब, क्योंकि दर्द का सिलसिला ख़त्म हो रहा है। तो हमेशा एक ही जैसा टाइम नहीं रहता, ना अच्छा टाइम रहा तो ना बुरा टाइम रहेगा। बुरे टाइम की बात नहीं है कि भगवान एक ऐसे ट्रांजेक्शन से लेके जा रहा है कि बहुत अच्छा होगा आगे, क्योंकि जीत को तोड़ने वाले टूट चुके होंगे और जीत अब नहीं टूटेगी, ये मेरा प्रॉमिस है मुझसे। एक इमोशन है मुझ में जो मुझे तोड़ते हैं बार बार, मैं अपने इमोशंस को किसी को तोड़ने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलूंगी। तो क्योंकि जो मिलूंगी तो मेरे अंदर का जो असलीपन है वो टूटने वाला ही है, वो इमोशनल ही है। तो लोगों को मौका नहीं दूंगी तोड़ने का बार बार अपने आप को। बहुत ही बुजदिल लोग हैं, बहुत ही मतलबी लोग हैं, उन्हें समझ में आता है कि वही सब कुछ है ज़िंदगी में, उनके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। तो जीत को और टीवी एक प्रोफेशनल वे में मैं लेके आऊँगी, चाहे जो भी हो। ये जो साल की शुरुआत है, मैं अपना टाइम अपने साथ बिताऊंगी, अपने चैनल के साथ बिताऊंगी और उन लोगों के साथ बिताऊंगी जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं और जो मुझे पसंद करते थे। मैं फिर से अपने वो लोगों के साथ जुड़ूंगी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियो, चाहे कुछ भी होगा, मैं अपनी बातें आपके साथ जारी रखूंगी और आपसे बातें करती रहूंगी ढेर सारी। आप लोग देखते रहिए, भूलिएगा नहीं भाई, इंडिया में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलो ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स की एक्सक्यूज़ नहीं करती क्योंकि वो उनको एक्सक्यूज़ मिलती है जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहते,
मेरी एक ही जिंदगी में गलती की है कि मैंने सेवा करने का वो सोचा, और सेवा की भावना किसी में नहीं है। सब पैसे बनाने के चक्कर में हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं अब उस चक्कर से निकल के सिर्फ मैं अपने वो फॉलोवर्स के साथ जुड़ूंगी जो मुझे देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, और मैं उनके साथ स्टे कनेक्टेड रहूंगी हमेशा हर जगह। कम से कम एक वीडियो तो रोज की मैं अब जरूर बनाऊंगी, क्योंकि अब जीत को जीत से कोई अलग नहीं कर सकता। देख ली ये दुनियादारी, ये धोखेधड़ियाँ, ये दिखावा, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। इतना कुछ एक साल में सीखा है, इतना कुछ देखा है कि अपनी इस जिंदगी को ऐसे बेकार नहीं होने दूंगी। कुछ भी बोलूंगी किसी ना किसी को तो समझ में आएगा। कम से कम मैं तो नहीं टूटूंगी, कम से कम जो परमात्मा ने लाइफ मुझे दी है उसमें तो मैं नहीं टूटने दूंगी अपने आप को अब, क्योंकि रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, आज यहाँ कल वहाँ, उड़ती हुई तितलियाँ हैं ये जिंदगी में लोग जो हैं। तो तितलियाँ पकड़ना मैं बंद कर दूंगी, विश्वास करना बंद कर दूंगी, अपने दर्द बताना बंद कर दूंगी, क्योंकि जब आप कमजोर हो आपकी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। कभी भी जिंदगी में अपनी बात किसी से मत बताइए, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो जाता है जिंदगी में। हम दुनिया को अपना समझते हैं। मैंने तो अपनी हर बात अपने चैनल में शेयर की है, मुझे तो उस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी ही फैमिली मेरे चैनल देखती है। मेरी हर बात, मैंने हर चीज़ अब शेयर करती हूँ। मुझे दुनिया से डर नहीं लगता, मुझे अपने आप से डर लगता है, क्योंकि जब मैं टूटती हूँ तो मैं संभल नहीं सकती हूँ, बस उस चीज़ से मुझे डर लगता है। और मुझे इस चीज़ से निकालने के लिए सिर्फ मुझे अपने चैनल पे वापस आना पड़ेगा। बहुत हो गई सेवा, बहुत हो गया सेवा, सब कुछ करके देख लिया। जो करना है अब वो किसी के साथ नहीं करूंगी, अकेले करूंगी, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। अपने ऊपर विश्वास की और परमात्मा से हिम्मत की जरूरत है, और वो जो करवाएगा मैं करती जाऊंगी, क्योंकि मैं तो कुछ जो सोचती हूँ वो हुआ ही नहीं जिंदगी में। अब मैं सोचती नहीं, बस जो होगा वो करूंगी। एंड आप लोगों से बातें तो जरूर करूंगी, आप ऐसे ही देखते रहिए एंड कमेंट करते रहिए, और मैं आपके कमेंटों के उधार हिसाब से वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौठी यूट्यूब। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।